हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आप यहाँ पर दोनों पाइल्स देखकर हैरान हो रहे होंगे कि दोनों ही पाइल्स में सन है तो ऐसा क्यों है। तो इसका आज एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने दोनों कार्ड्स ही सन कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो हो रहा है। तो क्योंकि मकर संक्रांति का समय है, तो संक्रांति होती है जब सन अपना ट्रांजिट में राशि परिवर्तन करता है, यानी कि अपना जॉडियक साइन जो है वो चेंज करता है। सन जो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाली संक्रांति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सन है, जो सूर्य है, वो अपने ही पुत्र की राशि में आ जाते हैं, यानी कि शनि की राशि में आते हैं। मकर राशि शनि की राशि होती है और अपने पुत्र की राशि में आने के कारण इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक बहुत अजीब सी बात है कि दोनों पिता पुत्र की बनती नहीं है, फिर भी अपनी इस राशि में आकर वो अच्छा इफेक्ट देते हैं। सूर्य उत्तरायण भी होते हैं, जिससे कहा जाता है कि बीमारियां दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। तो ये समय बहुत अच्छा समय माना जाता है, इसीलिए गंगा स्नान किया जाता है, हरिद्वार में जाकर लोग स्नान करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टाइम है जब आपको मैसेज लेना जरूरी होता है, जब सारी पोजिशंस चेंज हो रही हैं, काफी ज्यादा ग्रहों की स्थितियां चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर सूर्य का जो परिवर्तन है वो क्या लेकर आएगा आप लोगों के लिए, आज का टॉपिक कुछ इस तरह का है, इसीलिए मैंने दोनों सन कार्ड्स लिए हैं। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो ऊर्जा देता है, जो जीने का एक सही मतलब सिखाता है। जब सुबह होती है तब हमें लगता है कि वाह, सुबह हो गई है, सवेरा आ गया है, नई ऊर्जा आ गई है, नई एनर्जी होती है, हम अपने कामों में लग जाते हैं डेली के। और जब रात होती है तो बिल्कुल रिलैक्स होता है सब कुछ, कुछ भी करने का मन नहीं होता और ऐसा लगता है कि जैसे बिस्तर पर लेटें और सो जाएं। इसलिए जो सूर्य की एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट मानी जाती है। सूर्य को ऊर्जावान माना गया है, सूर्य को जीवंत माना गया है, जीवन देने वाला माना गया है, जीवनदायक कहते हैं। शरीर का कारक है और आत्मा का कारक इसे बोला जाता है। तो बहुत सारे इसकी जो डिटेल्स हैं बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूंगी तो सूर्य की बात खत्म हो जाएगी। ये तो वो सितारा है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी ऊर्जा में कभी कमी नहीं हो सकती। तो भगवान का ये दिया हुआ एक ब्लेसिंग जिसे हम कह सकते हैं, टैरो में भी जब हम सन कार्ड को देखते हैं तो एक ब्लेसिंग के तौर पर ही देखा जाता है। तो ये ब्लेसिंग जो है ये आपके लिए क्या लेकर आ रही है, कौन सी खुशियां आपके लिए लेकर आ रही है, कौन से सपने आपके पूरे होंगे, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी। तो चलिए, सन का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा जानते हैं। यहाँ पर पहले इससे मैं एक टैरो डिटेल आपसे शेयर कर लेती हूँ। टैरो कोर्स को लेकर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। टैरो कोर्स के लिए जो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो जरूर ले सकते हैं और टैरो कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी टैरो को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं, तो वो सारे डाउट इस कोर्स में आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपना एडमिशन लीजिए, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं वहां पर डिटेल शेयर कर दूंगी। अब मैं जल्दी से शुरू कर रही हूँ रीडिंग को। यहाँ पर हम लेते हैं ये वाला सन कार्ड। जिन्होंने भी इसको चूज किया है, देखते हैं क्या परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं, सन आपके लिए क्या चेंज लेकर आएंगे। तो पहले टैरो की हेल्प से देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और कार्ड्स भी मैं लूंगी और वहां से भी देखेंगे कि कौन से चेंज आप एक्सेप्ट करेंगे सन के चेंज होने से, कौन सी एनर्जीज चेंज होंगी, क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर आ गया है मून, ओके। यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स। तो ये वाली एनर्जीज जो बता रही हैं कि आपको कन्फ्यूजन रह सकती है किसी बात को लेकर, आपको रिश्तों को लेकर बहुत क्लैरिटी रहेगी, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, पर किसी बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, मन में थोड़ा कोई दुख हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है। हालांकि रिश्तों को लेकर यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी दिख नहीं रही है जो आपको किसी बात को कहे कि कुछ गलत है। यहाँ पर मुझे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आपके काम में नजर आ रहे हैं, हो सकता है पार्टनरशिप में कोई ट्रस्ट इश्यूज हो जिसकी वजह से आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके साथ धोखा किया है या कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से आप खुद को इमोशनली बहुत ऐसा फील कर रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके अंदर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, आप अपने
पार्टनर के साथ बहुत सारा कुछ एंजॉय कर सकते हो। फैमिली है आपकी, बच्चे हैं आपके, तो बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। एक गेट टुगेदर कर सकते हो आप, एक ऐसा टाइम स्पेंड करोगे जहां आप खुद को फुलफिल महसूस करोगे। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। बस काम में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जहां पर आपको लगे कि आप ठग चुके हैं, आपको ठगा गया है, आपके साथ कोई धोखा किया गया है, आपको जो बताया गया था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके तनाव की स्थितियां जो है वो बढ़ रही है। तो काम में फोकस कीजिए, काम को थोड़ा ध्यान से कीजिए, आपको काम में ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल टाइट अप, ओके स्ट्रैटेजी। तो यहां पर भी आपसे यही कहा गया है कि स्ट्रैटेजिकली चले, काम में ज्यादा फोकस करें। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुअल, तो आपको स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए। और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए, अच्छा बॉन्ड जिसे कह सकते हैं। जब आप खुद स्ट्रैटेजिकली चलते हैं ना, खुद आप इस तरीके से चलते हैं कि आप दूसरों को सलाह दें, दूसरों को बताएं कि क्या कैसे कैसे करना है, तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही क्लियर विजन के हैं, जिसको पता है कि उसने आगे क्या करना है। तो ये एनर्जी जो चेंज होने वाली है, ये आपको बताएगी कि आपको स्ट्रैटेजिकली कैसे चलना है। एक कॉपी तैयार कर लीजिए, अपने काम की मैनेजमेंट स्किल्स को निखारिए, अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम कीजिए, तो आपको धोखा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुअल कहते हैं कि आपको किसी बात से डरना नहीं है, किसी बात से घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड चक्र जब हमारा एक्टिवेट होता है या कहीं कमजोर होता है, तो बहुत सारे भय, बहुत सारे डर, बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं। तो इसे एक्टिवेट कीजिए, जितना हो सके इस पर काम कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्र जब एक्टिवेट होता है तो बहुत यहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाती है, हमारी गट स्ट्रेंथन हो जाती है। तो आपको अपने थर्ड चक्र को एक्टिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं ले रही हूँ कृष्णा संदेश, जो बताएंगे कि कौन से मैसेज आप रिसीव करोगे। बी पॉजिटिव, ओके, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवॉन्टेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो यहाँ पर कृष्णा कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, जो आप कर रहे हो उसमें आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी, बैड टाइम जरूर चला जाएगा। जो भी अनवॉन्टेड हैपनिंग्स हो रही हैं या हो चुकी हैं या आपको लग रहा है कि होंगी, उसके लिए भी राइट टाइम का वेट कीजिए, वो डेफिनेटली आपके पास से दूर चली जाएंगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पर भी ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो, तो सन का ये चेंज जो आ रहा है आपके लिए आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। आपको अपने स्पिरिचुअल गोल पर काम करना चाहिए। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, तो जितना हो सके ब्लेसिंग्स पर काम कीजिए, जितना हो सके देखिए कि भगवान ने आपको क्या दिया है, उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए, जितना हो सके कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए कृष्णा के साथ, आपको वो मिलेगा, वो खुशियां मिलेंगी जो आप चाहते हो। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, तो तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, और तीनों में ही आपसे कहा गया है अ हम्बल ऑफरिंग ऑफ टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो भगवान कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, भगवान सिर्फ आपका श्रद्धा और विश्वास चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनको कोई चढ़ावा चढ़ाया जाए, उनको कुछ आप लालच दें कि मैं इस तरह से आप मेरा काम पूरा करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगी, तो ऐसा कुछ भी भगवान नहीं चाहते हैं। वो आपका विश्वास चाहते हैं, आपकी श्रद्धा चाहते हैं। तो जितना पॉजिटिवली आप उनको श्रद्धा और विश्वास से मानेंगे, उतनी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे, उतनी चीजें आपको मिल पाएंगी, उतना प्यार और ब्लेसिंग आपको मिल पाएगा, और उतना ही आप भगवान के करीब रह पाएंगे। तो सन का जो चेंज है वो हैप्पी वार्निंग्स दे रहा है। हैप्पी वार्निंग्स इसलिए कह रही हूं क्योंकि परिवार है, सब कुछ है, फिर भी अगर आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते हो ना, तो ये गलती आपकी होगी। आपको सिर्फ काम के लिए आगाह किया जा रहा है कि काम पर फोकस कीजिए, वहां पर आपको थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे सकती हैं जहां आपको केयरफुल होना होगा, बाकी सब एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अपने थर्ड चक्रा पर काम कीजिए, उसे एक्टिवेट कीजिए, किसी बात से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और पूरी तरह से आप ब्लेस्ड पर्सन रहेंगे। आपको ये जो सन का चेंज है ये बहुत कुछ देने वाला है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने वाला है। तो इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते रहिए, लोगों के साथ मिलकर रहिए, आप स्ट्रेटजिकली चलिए, और किसी पर अंधा विश्वास मत कीजिए। बस मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपका गलत तरीके से
इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो इस्तेमाल होने नहीं देना, इतना केयरफुल रहना है। बाकी सब एनर्जीज आपकी फेवर में है, आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये है आपकी एनर्जीज पाइल नंबर वन। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, सन का ये ट्रांजिट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ इस सन कार्ड की, अगर आपने इसे चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। सन का ये ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आप फेस करेंगे, कौन सी स्ट्रगल्स फेस करेंगे, कौन सी एनर्जीज को रिसीव करेंगे, क्या ऐसा है जो आपको मिलने वाला है। क्योंकि जब भी ग्रह परिवर्तन होते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, हमेशा एनर्जीज एक जैसी तो नहीं चलती, उसका फ्लो हमेशा डिफरेंट होता है। हायरोफेंट, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, डेथ की एनर्जी, मून की एनर्जी, ओके। तो यहां पर मैं देख पा रही हूं कि ये जो समय है ये आपके लिए किसी लेसन का समय है। आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो एक्सपीरियंस कैसा भी हो सकता है, आप किसी तनाव में हो, टेंशन में हो, पर आपको कुछ लेसन मिलेंगे जो आपको आगे की जर्नी को तय करने में मदद करेंगे। आप कुछ सीखोगे, अपने परिवार से सीखोगे, अपने गुरु से सीखोगे, अपने टीचर से सीखोगे, जहां पर वो आपको बताएंगे कि जो जो गलतियां आपने की हैं अब आप उसे दोहराए नहीं, अब आप कभी भी वो गलतियां नहीं दोहराओगे। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो बदलाव दिख रहा है, जो चेंज दिख रहा है, वो एक इमेच्योर एनर्जी से आपको मेच्योर बनाने का काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ दर्द है, हालांकि यहां पर ये दर्द दिख रहा है, पर आप जब निकलोगे इससे बाहर, क्योंकि चेंज भी साथ में आ चुका है, तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बनकर निकलोगे। आपने कई गलतियां की हो सकती हैं, कुछ तनाव से गुजरे हो सकते हो, कुछ परेशानियां आपके साथ हुई हो सकती हैं, तो वो कैसे भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जो खुद गलतियां करके सीखते हैं, बहुत सारे दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीखते ही नहीं है। तो आप ऐसे पर्सन नहीं रहोगे आज के बाद, आप अपनी गलतियों से सीख जाओगे और सीख कर बहुत कुछ नया सीखोगे, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लेसन लोगे। तो ऐसा नहीं है कि ये समय जो है ये ऐसे ही जाएगा, आपको काफी कुछ सिखा कर जाएगा, बड़े बड़े लेसन आपको मिलेंगे। तो ये एनर्जी काफी डिफरेंट एनर्जी है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है, लेसन है जो आपको मिलने वाले हैं। ये लेसन आप किसी नेगेटिव वे में लेकर मत चलना, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमें कोई एक्सपीरियंस मिलने वाला होता है तो कई बार कुछ नेगेटिव भी होता है, ऐसा लगता है कि जैसे चीजें हमारी फेवर में नहीं चल रही, पर जब आपको वो एक्सपीरियंस गेन हो जाता है तब आपको लगता है कभी किसी समय पर जाकर कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया वो आपके लिए ज्यादा जरूरी था, वो लेसन जरूरी था। आपने आज तो उसको महसूस नहीं किया, पर आगे आने वाले समय में जरूर फील करोगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील करते भी होंगे कि जो आप आज हो उसका कारण आपका पास्ट है, आपने पास्ट में जो चीजें सीखी हैं वही कारण है कि आज आप यहां तक पहुंचे हो। तो यही वाला लेसन अब भी आपको मिलने वाला है, जब आप कुछ सीखोगे, कुछ लेसन लोगे, एक्सपीरियंस लोगे। हो सकता है किसी के हर्ट के साथ हो, किसी के दुख के साथ हो, कुछ आप तनाव में रहें जिसकी वजह से आप लेसन फील करें, एक्सपीरियंस फील करें, कुछ चीजें बदल जाएं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे, कोई काम आपको बंद करना पड़े और नया काम स्टार्ट करना पड़े जिसकी वजह से आपको लेसन मिले, तो कुछ भी लेसन हो सकता है। ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि लेसन किस तरह का होगा। कुछ लोग जो इमोशनली बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं किसी के साथ, वहां पर भी उनके लिए भी लेसन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एनर्जी कार्ड से देख लेती हूँ और क्या है आपके लिए। तो लेसन तो आप रिसीव करने वाले हो, तो ये समय एक्सपीरियंस गेन करने का है, लेसन लेने का है, अपने स्किल्स को भी निखार सकते हो, कुछ सीखना है सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये समय आपको कुछ सिखाएगा नहीं, जरूर सीखोगे आप जो भी लर्निंग करना चाहते हो। यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये जो सीख है ये आपके बिजनेस को लेकर, आपके काम को लेकर हो सकती है विक्ट्री। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज है कि आप विक्ट्री फील करोगे, सीख कर आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि रुक जाओगे, स्टैग्नेंट नहीं है एनर्जीज, बहुत फ्लो में है
और यहाँ पर लगता है कि करियर से रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करोगे आगे जाकर, और कुछ ऐसे हैं जो आपके केयरिंग कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, आपके प्यार से जुड़े हुए हैं, आपके रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके विजन्स क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा और जीतोगे आप। ऐसा नहीं है कि हार जाओगे, जब आप एक्सपीरियंस गेन करके आगे बढ़ोगे ना तो जीत आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डरना नहीं है, कई बार हम ऐसी एनर्जीज को देखकर डर जाते हैं कि पता ही नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ अटकेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ काम चलेगा नहीं चलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी भी आपको मिल रही है कि काम चलेगा, जीत मिलेगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन बता रहा है कि कोई फीमेल आपकी हेल्प कर सकती है, जो आपके पार्टनर भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मेल फीमेल दोनों काम करते हैं और एक का काम उतना अच्छे से नहीं चलता, तो दूसरी जो पार्टनर है, जैसे फीमेल पार्टनर है, तो वो अपने काम से हेल्प करती है घर में। तो यहाँ पर वो भी एनर्जी दिख रही है कि अगर कुछ ऐसा स्टक हो जाए तो आपकी जो पत्नी है, जो आपकी वाइफ है, वो आपकी मदद कर सकती है। तो अगर आपकी पार्टनर है किसी भी तरह से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकती है, वो आपको जीत दिला सकती है। तो आपको उन पर फेथ करना है, उनके साथ मिलकर चलना है। सन की एनर्जी का ट्रांजिट ये बता रहा है, सन जब चेंज होगा तब आपके लिए ऐसे मैसेजेस आप रिसीव करोगे। कृष्णा संदेश भी देख लेते हैं, कृष्णा का क्या मैसेज है आपके लिए। पेशेंस, ओके। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखना है, जो आप चाहते हो वो मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। चैरिटी, गिव वॉट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो जो आपके पास है आप उसे दे भी सकते हो, देने से ज्ञान भी बढ़ता है, देने से खुशी भी मिलती है, देने से सेटिस्फेक्शन होता है, तो देने से बहुत कुछ मिलता है। मैंने कहीं कोई कोट पढ़ा था कि सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में अगर देखी जाए तो देने से मिलती है, जिसे हम कई बार महसूस ही नहीं करते, हम देना चाहते नहीं और वो खुशी हमें मिलती नहीं। तो देने से जो खुशी मिलती है उससे बड़ी खुशी कोई होती ही नहीं है। तो आपने ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आप भी इस खुशी को महसूस कर सकते हो, चैरिटी करके महसूस कर सकते हो, देकर महसूस कर सकते हो, किसी का भला करके महसूस कर सकते हो। यहाँ पर है सरेंडर, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। आपको भगवान कह रहे हैं कि जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, सरेंडर कर देना चाहिए, आपको पेशेंस के साथ अपने आप को डिवोट कर देना चाहिए भगवान को, ईश्वर को, और उनसे कहना चाहिए कि जो लेसन तुमने मुझे दिए हैं, जो एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने, आपके सहारे है सब कुछ, आप मुझे उस भवसागर से पार भी लगा सकते हैं, आप मुझे डुबो भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो भगवान कभी अपने बच्चों को डूबने तो दे नहीं सकते, ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि जब माँ बाप से कुछ भी मांगा जाए तो ऐसा होता नहीं है कि माँ बाप देना। तो आप भी भगवान को अपने माता पिता मानकर, अपने गुरु मानकर, अपने भगवान मानकर कुछ भी मांग सकते हैं और वो आपको पार जरूर लगा देंगे। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है, जहाँ आप अगर दुखी हैं, परेशान हैं, आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाएगी, कोई ना कोई आकर आपको बाहर निकाल लेगा, उसे उसको डूबने नहीं देगा आपको। तो ऐसे में आपको बस सरेंडर करना है, चैरिटी करना है, पेशेंस रखना है और लेसन्स लेने हैं, एक्सपीरियंस गेन करने हैं। जो जो आप गेन करेंगे आने वाली जिंदगी में बहुत बहुत काम आने वाला है आपके। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें जो हैं ऐसे ही चली जाएंगी, आपको कुछ नहीं सिखा कर जाएंगी, आप एक बहुत मेच्योर पर्सन बनकर बाहर निकलोगे और आपको लगेगा कि डिवाइन ब्लेसिंग ही थी जो आपको ये लेसन मिला, ये एक्सपीरियंस गेन हुआ। तो आपको इतना अच्छा लगेगा कभी किसी समय में आकर, और आप मेरी बात को याद करेंगे कि मैंने कभी ये बात कही थी और आज आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो डिवाइन जब टाइम आता है तभी इंसान वो चीजें फील करता है जो उसने एक्सपीरियंस की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।